कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम. हम टाइटल की बात करते हैं, पहले मेंटल है क्या था, अभी जजमेंटल हो गया. यू आर अ फाइटर बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी ईजीली. आर यू रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग एक्चुअली? क्योंकि हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब खराब होते हैं. मेंटल है क्या वॉज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग. सर अभी जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है. तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है. तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है. उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं. तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट्स से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे. और ऐसा कहा जा रहा है, जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है. पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से, अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड, मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है. और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया, पर जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है. सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस, बट वी ट्रूली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिंसियरिटी है, और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है, वो भी उन्हीं ने, वहाँ पे उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा, फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है, हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर. तो इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा, वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया. सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस एंड जिस इशू को लेके, जिन लोगों को लेके बनाई गई है, तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. कंगना जी आपके सामने, हाय, आपके ठीक सामने, हाय हाय. कंगना जी, यू नो, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कंगना जी ने हमारी लाइफ की डाली काट के रख दी है, हमारी ज़िंदगी परेशान कर के रख दी है. तो ऐसे लोगों को कंगना मानती हैं कि वो मेंटल हैं या जजमेंटल हैं? वो वैसे लोग हैं, वो जो मैम कह रहे थे ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में है, वो वैसे लोग हैं. सो आई थिंक कुछ लोग जो हैं, जिनको आई थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं, दूसरों को भी मेंटल. सो वो सब एक अलग पूरा ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का वो. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट डेफिनेटली जजमेंटल तो वो नहीं है. आई थिंक समवेयर दे रिकग्नाइज माई स्पार्क एंड समवेयर दे नो. कोई मेरे दोस्त ही थे जो मुझे कह रहे थे, यार तुमको कितने लोग परेशान करते हैं. सो आई वॉज टेलिंग देम कि अगर ये लोगों ने इतनों को टॉर्चर, अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की? तो सोचो, अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करते, अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं. नेचुरली इज बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट. आपने बताया कि अब आप 30 की हो गई, अब शायद आप शांत हो जाएंगी, तो 30 क्रॉस करते करते कोई और भी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे आप एक्सपोज करना चाहेंगी? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ. आई थिंक वो थोड़ा ऐसा हंसी मजाक में भी लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं. सो आई कीप इट वेरी लाइट. चाहे मैं देश के बारे में बात करूँ, मैं सारी कॉमन सेंस की बात करती हूँ, वो खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं. सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग फॉर मी टू डू. मैं जैसे कहती हूँ अपने दुश्मनों के बारे में कि मतलब उनको मेरी क्या ज़रूरत है, वो खुद ही अपने खुद के काम में लगे पड़े हैं इतनी बुरी तरह से खुद को एक्सपोज करने में. सो आई डोंट थिंक दे नीड मी. डायरेक्टर जी, आपसे एक सवाल है. डायरेक्टर जी, प्रकाश जी, तेरे तीसरा सवाल चल रहा है यार, रुक जा. डायरेक्टर जी से एक सवाल ये है कि आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये फिल्म आपने प्रॉपर तरीके से आपने डायरेक्ट किया है, कंगना जी ने भी थोड़ी बहुत डायरेक्ट किया? फर्स्ट आई लाइक टू थैंक दिस टीम दैट आई हैड टू मेक सच अ वंडरफुल फिल्म. So to answer, continue the question that he said, for me, the entry into Bollywood has been fantastic with the kind of support that I've gotten from my producers, my writers, my technical team, and most importantly, my cast. So in which both Kangana and Rajkumar have been fantastic. Specific to your question,
I thoroughly enjoyed directing Kangana. I come from theater, and I like my actors to ask me questions. I like us to have creative discussions, and I like us to arrive on something that we together collaboratively work on. Because I believe filmmaking is a collaborative process. लेकिन सर जब मैंने आपका आपका ये छीन लिया माइक जब आप एक्शन कहने वाले थे और मैंने से कहते एक्शन तब आपने क्या किया तब आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को सो फॉर मी आई थरोली एंजॉयड वर्किंग एंड टेकिंग हर इनपुट्स गिविंग माय इनपुट्स एंड वी टुगेदर मेड दिस अ बेटर फिल्म एंड दोज इनपुट्स हैव कम फ्रॉम एवरीबडी इन द टीम एंड like I said, she was wonderful. And a thinking actor.